बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आप दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे हो, अल्लाह ताला आपके ऊपर करम करे, फजल करे और आपके आने वाली नस्लों पे भी खुदा ताला की रहमत नाज़िल हो। मेरे पाकिस्तानियों, बड़े दुख के साथ हकीकत है, इस दुआ से मैं आज का नाश्ता शुरू करूँगा कि ऐ खुदाया हमारे गुनाह बख्श दे। ऐ अल्लाह मियाँ हम बहुत गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह मियाँ हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह मियाँ हमारे बस में नहीं है कि हम मौजूदा हालात में से कैसे निकलें। ये खुदाया तू ही हमारी मदद फरमा। शायद ये हमारे गुनाहों का नतीजा है जो आज हमें पाकिस्तान में ना तो आटा मिल रहा है, ना कोई लोगों को लेबर मिल रही है। गरीब लोग, हकीकत बात यह कि सड़क पर नहीं आए, ज़मीन में धंस चुके हैं लोग, खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। ऐ मेरे खुदाया हमें मदद फरमा, हमारी हेल्प कर कर, हम हकीकत बेबस हैं। ऐ अल्लाह मियाँ हमारे ऊपर एक गद्दार एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, अगर आप आवाज़ उठाओ तो वो आप लोगों पे, हम लोगों पे, पूरे पाकिस्तान में पर्चे दर्ज करवा देते हैं गद्दारी के, हालांकि गद्दार वो खुद हैं। लोगों को कपड़े उतार कर नंगा करके उनकी वीडियो बनाई जाती हैं। ऐ खुदाया तू अपनी अबाबिलें भेज। ऐ अल्लाह मियाँ ये सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ते का वक्त है, खुदा मियाँ ऐ मेरे अल्लाह सुन ले हमारी आवाज़ को। इन गद्दार एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, अदालतों में बैठे हैं, इनको तबाह बर्बाद कर दे, मेरे पाकिस्तान मजलूम लोगों को आज़ाद करवा दे। ऐ खुदाया जो जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिस जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, ऐ मेरे खुदाया उनको गर्क कर दे, उनको गर्क कर दे, जैसे तू पहले ज़माने में फ़िरऔन और उनके लोगों को तबाह बर्बाद करता रहा। ऐ खुदाया इस वक्त हम उनसे भी बदतर हालत में हैं, हमारी हालत जार इतनी बुरी है कि कुछ सफ़ेद पोश बात करने से भी कासर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे हो, मेरी आपसे हम रिक्वेस्ट है कि आप निकलिए बाहर, अपने दाएं बाएं देखिए, अपने हमसायों में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने मोहल्ले शहर में देखिए, कितने गरीब लोग इस वक्त बैठे हुए, बेबस बैठे हुए, जिनके पास ना तो मजदूरी है ना खाने के लिए पैसे हैं। अब तो रोटी भी इतनी महंगी हो गई है कि लोग रोटी क्या खाएं, इवन तो वो जो चारा है जानवरों का वो भी इतना महंगा है कि वो भी नहीं खा सकते। मेरे पाकिस्तानियों, अब भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेहाद की ज़रूरत है, अभी एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अब मत सोचिए कि आपके कपड़े साफ हैं और उसके गरीब के गंदे कपड़े हैं। आप उसके साथ बैठेंगे, वो खुदा की ज़ात आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेगी। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत इस वक्त हमें सिर्फ खाने की ही बात नहीं, आज नाश्ते की ही बात नहीं, आज हमें लंच की बात भी करनी है, आज हमें डिनर की भी बात करनी है और आगे हमें सोने की भी बात करनी है। क्या मेरे पाकिस्तानियों हम इसी तरह गुलामी में ही रहेंगे? क्या हम इसी तरह रोटी की लाइनों में लगे रहेंगे, आटे की लाइनों में लगे रहेंगे, रोटी की दौड़ दौड़ में भागते रहेंगे? क्या हम दायम ध्यान नहीं मारेंगे कि हमारा पाकिस्तान लुट रहा है, हमारा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है? इन ज़ालिमों ने, इन हरामखोरों ने पाकिस्तान को बेच दिया है और इससे हमने कैसे आज़ादी लेनी है? मेरे पाकिस्तानियों, दुआ कीजिए और उसके साथ दुआ, दोनों चीज़ें होंगी तो हम पाकिस्तान को इस कठिन पीरियड से, इस मुसाइब से निकाल सकेंगे। हकीकत बात यह है कि मुझे इतना तरस आता है, लोग मुझसे राबते करते हैं, कभी किसी की हेल्प के लिए, कभी किसी की हेल्प के लिए, लेकिन मेरी भी तो एक लिमिट है। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं हेल्प करते करते खुद भी कर्जे के नीचे आ चुका हूँ, लेकिन मैं फिक्र नहीं करता, इसलिए नहीं फिक्र करता कि वो जो खुदा की ज़ात है वो मुझे देने वाली है। इसी वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल करता हूँ कि निकलिए, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारा ही खून है जो मारे मारे फिर रहे हैं, या वो सफ़ेद पोश जो किसी से बात भी नहीं करते कि आज उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। कई लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठवा लिए, उनकी फीसें नहीं दे पा रहे। कई लोगों ने अपने बच्चे छोटी छोटी लेबर्स के अंदर डाल दिए कि शायद चार पैसे मिल जाए जिससे वो पेट भर भर के खाना खा सकें।
मैं उन जिम्मेदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास अनाज वाफर मकदार में है, सब्जियां वाफर मकदार में है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गांव में जगह जगह देखिए, जो जो जरूरतमंद है उसकी हेल्प कीजिए। आज आप हेल्प करेंगे तो खुदा ताला कल आपकी अनाज में, आपके हर चीज के अंदर बरकत डालेगा। ये मेरा नाश्ता सुबह का प्रोग्राम सिर्फ इसी वजह से होता है कि मैं आप तमाम से मोहब्बत के साथ आपसे बात कर सकूं और आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि हम मिलके अभी आइंदा लाहे मुल्क क्या तैयार करें, हम कैसे इस पाकिस्तान को इन मुसीबतों से निकाल सकें, हम कैसे मिलके इस पाकिस्तान को डेवलप कर सकें। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखो, अब खुद फैसले किया करो कि इस मुल्क के साथ गद्दार कौन है, लुटेरा कौन है, चोर कौन है। लोग अक्सर कहते हैं कि इतनी पैसा, वो तो अमीर खानदानी अमीर है। कभी उसकी बैकग्राउंड चेक किया आप लोगों ने? कभी खुदा के लिए आप उसकी बैकग्राउंड भी चेक किया करें कि ये सच है या झूठ है। आप किताबें पढ़ें, आप इनकी तकरीरें मत सुने, इनके कपड़े मत देखें, इनके हकीकत बता रहा हूं। हमारे ऊपर इस वक्त बहुत कठिन पीरियड है पाकिस्तान के ऊपर, हमें बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। हम सुबह के नाश्ते के साथ ये भी सोचें कि हमने गरीब की भी हेल्प कर ली, लेकिन हम परमानेंटली लॉन्ग टर्म के अंदर इस गुर्बत को ख़त्म कैसे करेंगे? उस लॉन्ग टर्म में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हमें आज़ादी लेनी होगी। आज़ादी किससे? इन माफिया से, या इन गद्दारों से, जो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फुल फ्लैज गद्दार बैठे हैं, जो कि वो फैसले कर रहे हैं जो दुश्मन चाह रहे हैं। क्यों? अब पाकिस्तान को वो सौदा करके पैसे ले चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान का कब्जा देना है उनको, और उस कब्जे देने के लिए याद रखिएगा, ये अफरा तफरी फैलाएंगे पाकिस्तान में, मार धाड़ करेंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे का खून करेंगे, और उस वक्त पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया जाएगा दुश्मनों के पास। मैं अपनी प्यारी पाकिस्तान की फौज पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो वहां पे पावरफुल लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये गद्दार पाकिस्तान के कैसे, पाकिस्तान के जो 220 मिलियन का मुल्क है, उनको कैसे इन्होंने हाईजैक करके कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। क्या हम इंतजार करते रहेंगे? किस चीज का इंतजार? क्यों डरते हो? मत डरो, काम करना है इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए। हम किसी के बाप के नौकर नहीं है। अगर कोई सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका गुलाम बन के, अगर वो गलत फैसले करे, इसका मतलब नहीं कि उसको ओबे करें। याद रखिएगा, जब ला प्रवेल ही नहीं कर रहा मुल्क के अंदर, तो फिर किस चीज की? इस वक्त याद रखिएगा, इत्तेहाद की जरूरत है। ये नाश्ता मेरा, ये जो ब्रेकफास्ट है, इसमें आप नाश्ता भी करें, हमसायों को ख्याल भी करें, और ये भी सोचें कि हमने पाकिस्तान को इन गद्दारों से कैसे छुड़वाना है। इमरान खान आपके पास अल्लाह की तरफ से एक लीडर आया हुआ है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि खुदा ताला समटाइम्स कौमों को अच्छा लीडर दे के भी आजमाता है। ये हमारे ऊपर बहुत सारी इम्तिहान, ये हमारे गुनाहों के नतीजे भी हैं कि हमारे ऊपर नवाज शरीफ और जरदारी जैसे गलीज किस्म के लोग आते रहे और गलीज किस्म के एस्टेब्लिशमेंट आती रही। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ एक टेस्ट भेजा है कि हम क्या अच्छे लीडर को एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। जैसे पुराने देखिए, आप पुरानी हिस्ट्रियां जरूर देखा करें। तो इस नाश्ते का, इस दुआ के साथ कि ऐ खुदाया, अगेन हमारे गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह मियां हमें इन गद्दारों से जान छुड़ा दे, ऐ अल्लाह मियां जिसने मेरे पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया, अल्लाह मियां गर्क कर दे उनको आज, अल्लाह मियां मेरे गरीबों को उनकी वजह से खाना नहीं मिल रहा, ऐ खुदाया तू ही है कर्म करने वाला, अल्लाह मियां तू ही है हमारी हेल्प करने वाला, अल्लाह मियां इन गद्दारों को खत्म कर दे, अपनी अब्बा बिल्ले भेज, ऐ खुदाया अपनी अब्बा बिल्ले भेज और हमारी मदद फरमा, आमीन सुमा आमीन। कल फिर इंशाल्लाह ताला नाश्ते में मुलाकात होगी, अदरवाइज दिन के अंदर मेरे वीलॉग जरूर होते हैं लाइव, काइंडली आप जरूर सुना करें, जरूर उनको शेयर भी करें, आई विल बी ग्रेटफुल। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।